है चुटकियों में समाधान। तो देखिए अगर इस तरह का जब क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन हो और हमें एलसीएम याद करना हो, तो हम फोकस करेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या पर। सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है? 8 है। अब आप देखिए कि क्या जितनी भी छोटी छोटी संख्याएं दी हुई है क्वेश्चन में, क्या उस बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग लग रहा है? यानी 2 से 8 में लग रहा है, कहेंगे हाँ सर 2 चक 8। 4 से लग रहा है, कहेंगे जी सर 4 दुनिया 8। 6 से लग रहा है, कहीं नहीं सर 6 कम 6, 6 दुनिया 12 हो रहा है, 8 से। तो क्या करिए, 8 का टेबल पढ़िए, यानी 8 एक कम 8, 8 दुनी 16, 8 तिया 24, 8 चक 32। कहिए सर पढ़ते रहने से क्या होगा? पढ़ते रहने से ये होगा कि आप देखिए कैसे क्या करिएगा, कि हमें क्या चाहिए, हमें 2, 4, 6, 8 का एलसीएम चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमने किसके ऊपर फोकस किया? 8 के ऊपर फोकस किया। 8 में 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 6 एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट से, क्योंकि 8 से तो लगेगा ही, क्योंकि हम उसी का टेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, 8 का टेबल पढ़िए। 8 एक कम 8, 8 दुनी, कहिएगा सर 16। 16 में 6 से लगा, नहीं लगा। कहिएगा 2 और 4 को नहीं देखना है, नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, क्योंकि जब वो 8 में लग रहा है तो 8 का जो टेबल आएगा 16 32 24 36 जो भी है, सॉरी 32 40 जो भी है, उसमें भी भाग लगेगा। यानी 8 का टेबल पढ़िए, 8 दुनी 16, 8 तिया 24। तो देखिए क्या 24 में 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, और 8 से तो ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि वो 8 का टेबल है। यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 24। एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके अंदर कंफ्यूजन हो। आपको 2, 4, 6, 8 का एलसीएम चाहिए, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 का एलसीएम चाहिए, सबसे बड़ी संख्या 8। 8 में 2 से भी लग रहा है, 4 से लग रहा है, 6 से नहीं लग रहा है, तो 8 का टेबल पढ़िए, 8 दुनी 16। 16 में भी 6 से नहीं लग रहा है, 8 तिया 24। ये तब तक पढ़ते रहना है जब तक 6 से भागा नहीं लग जाए, और जैसे ही भागा सबसे लग जाए, मतलब इस 24 में 8 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 2 से लग रहा है, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, कहेंगे सर 24 हमारा एलसीएम हो गया। यहां पर सीखिए, जैसे एक और हम देते हैं, 2, 4, 8, 16। समझिए इस चीज को। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 32, ठीक है, 32, ठीक है। अब देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 32। 32 में 2 से लगेगा, जी 16 दुनी 32। 32 में 4 से लगेगा, 8 चक 32। 8 से लगेगा, 8 चक 32। 16 से लगेगा, 16 दुनी 32। यानी सबसे जब भाग लग जाए तो यही 32 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का लासा। क्योंकि अभी अभी हम बताएं कि लासा का मतलब होता है उस क्वेश्चन में आए गए सभी में सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपका लासा हो। अब देखिए 5, 10, 15, 20 की बात करें, सबसे बड़ी संख्या कहेंगे सर 20 है। जरूरी नहीं कि लास्ट में होगा तो वही बड़ा होगा, कहीं से भी ढूंढना है सबसे बड़ी संख्या 20। 20 में 5 से लग रहा है, 5 चक 20। 10 से लग रहा है, 10 दुनी 20। 15 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो 20 का पहाड़ा पड़िए, 20 दुनी 40। 40 में लगेगा, 15 से नहीं, ये दोनों नहीं भी चेक करिएगा तो चलेगा। 20 तिया 60 में लगेगा, कहेंगे हाँ सर 60 में तो 15 चक 60 लग रहा है। देखिए अब 60 में सबसे लगना चाहिए, 12 पचे 60, 10 चक 60, 15 चक 60, 20 तिया 60। फाइनली इस क्वेश्चन का लासा क्या हो जाएगा? एलसीएम 60। आइए 2, 4, 6, 8, 12। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? कहेंगे सर सबसे बड़ा 12 दिख रहा है। 12 में 2 से लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 12 में 2 से लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 2 छक 12, 4 से 4 तिया 12, 6 दुनी 12। 8 डिस्टर्ब कर रहा है तो 12 का पहाड़ा पड़िए, 12 दुनी 24। 24 में 2 से 4 से 6 से और 8 से भी लगेगा, 8 तिया 24। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24। यानी पहाड़ा बड़ी वाली संख्या का तब तक